सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जाता है। अगर आप बोल रहे हैं कि हेलमेट लगा हुआ है आप फिर भी चलान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने विभाग को बोला कि इसको देखवा लीजिए क्या मामला है, अगर उस तरह की बात होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल आज जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत आम जनता की समस्याओं को सुन रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने जब सवाल किया कि आए दिन पटना में जब से ई चलान की सुविधा शुरू हुई है तब से काफ़ी अवैध रूप से चलान काटे जा रहे हैं। इसके बाद शीला मंडल ने सीधे तौर पर यह कहा कि जो ई चलान की प्रक्रिया जो शुरू की गई है कहीं ना कहीं जनता के हित को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। आइए सुनते हैं शीला मंडल ने क्या कुछ कहा। व्हाट्सएप नंबर पर चलान की रसीद चली जाती है, जिसको लेकर के आप लोगों ने कोई समीक्षा की है या कोई उस पर निर्देश विभाग को दिया गया है? दो दो तीन दिन बाद चलान जा रहा है। देखिए ये जो बात आप बता रहे हैं कि चलान की बात बता रहे हैं हेलमेट के लिए, अभी हम भी पटना में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सभी लोग ये हेलमेट लगा के चल रहे हैं, जो पीछे भी बैठे वो भी लगा चाहिए, क्योंकि देखिए उसमें आपकी ही सुरक्षा होती है, जनता की सुरक्षा के लिए ही ये सब किया जाता है। अगर आप बोल रहे हैं कि हेलमेट लगा हुआ है आप फिर भी चलान कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमने विभाग को बोला कि इसको देखवा लीजिए क्या मामला है, अगर उस तरह की बात होगी तो उसको ठीक किया जाएगा। देखिए एक ही व्यक्ति का तीन चार बार चलान कटने का मतलब है कि हम लोग जो एक्सीडेंट दर है उसको कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए ये सब किया गया ताकि आने वाले दिनों में, देखिए आम जनता की सेवा करने के लिए ही हम लोग को आप लोगों ने चुना है, और तो हम लोग चाहेंगे ही कि सब लोग सुरक्षित रहे, जब सब राज्य सुरक्षित, जनता सुरक्षित रहेगा तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे, इसीलिए इसको ध्यान में रख करके किस दर को कैसे घटाया जाए इसके लिए ये सब किया गया। देखिए आप इसको जिस लहजे में लीजिए ये आपकी सोच है और कि राजस्व के लिए किया जा रहा है, ये एक्चुअली में आप जो आप ही लोग कई बार ने सवाल किया कि मैडम इतना एक्सीडेंट दर क्यों बढ़ रहा है, कई बच्चे चलाते हैं गाड़ी एक्सीडेंट कर जा रहे हैं, उससे बहुत तरह की परेशानियां हो रहा है, तो इसको ध्यान में नहीं, देखिए नियंत्रित करने के लिए जब तक आप कोई भी रूल और डिसिप्लिन को नहीं लाइएगा तब तक नियंत्रित नहीं होगा, तो डिसिप्लिन जरूरी है। आप दूसरे राज्य में जाते हैं कैसे आप सारे डिसिप्लिन को फॉलो करते, तो यहाँ क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं, हम और आप वहाँ जाते हैं तो सुरक्षित ठीक हो जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं होता, तो मानसिकता बदलने की जरूरत है और सब लोग सुरक्षित रहे इसके लिए ये कार्य किया गया है। कई सिग्नल भी खराब है, देखिए ऐसा है कि एक चलान बात करने की जहाँ तक आप बोल रहे हैं हमने बात किया और वो पता चला कि देखिए होता क्या है ना कि अगर कोई पर्टिकुलर एक जगह अगर चलान कट रहा है तो वहाँ उस रूट को छोड़ करके लोग दूसरे रूट में चले जाते हैं, तो ये कुछ दिन तक ऐसे किया जाएगा ताकि ये चीज़ को नियंत्रित किया जाए, नियंत्रित करने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैम आपको नहीं लगता कि अवेयरनेस के लिए कि लोग कैसे चलाए देखिए ऐसा बात नहीं है, इसके लिए जब जो भी ट्रैफिक रूल के लिए कई प्रचार प्रसार भी किया जाता है, बच्चों में भी होता है और स्कूलों में भी, इसकी शिक्षा विभाग से भी हमारी बात हुई है, वहाँ भी हम कोर्स में भी इसको चलाते हैं कि जब छोटा एज होता है अगर हम बचपन में कोई चीज़ सीखते हैं तो वो कभी नहीं भूलते, इसलिए ये कोर्स में भी लागू किया गया है कि ट्रैफिक रूल को पढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चे आने वाले दिनों में वो सीख सके और इस चीज़ को जान सके, इसके लिए भी ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि अचानक किया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएँ किया गया है और देखिए नुक्कड़ नाटक का व्यवस्था किया जाता है, प्रचार प्रसार भी इसके लिए तेज किया गया है, तो सारे रूल को बताया जाता है, ये नहीं है कि अचानक किया गया। तो आपने सुना शीला मंडल सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ई चलान की जो व्यवस्थाएं शुरू की गई है वो सही तरीके से शुरू की गई है और आम जनता को सुविधा पहुंचाने के लिए शुरू की गई है, क्योंकि आम जनता की जो जान है वो काफ़ी कीमती है और सारी व्यवस्थाएं जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं की गई है आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए की गई है ताकि यात्रा करने के दौरान किसी भी तरीके का अनहोनी घटना न घटे। लेकिन अगर कोई इस तरीके का समस्या आ रहा है जिसमें लोग डबल हेलमेट पहने हुए फिर भी चलान काटी जा रही है, तो इसके लेकर के हम लोग विभाग से
जानकारी लेंगे कि आखिर ये समस्याएं क्यों आ रही है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं मनीष पटना।